greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को शुभकामनाएं. My name is Jumi Dora. मेरा नाम Jumi Dora है. I'm serving the Lord for the past 15 years. मैं पिछले 15 सालों से प्रभु यीशु की सेवा में हूँ. I am from Arunachal Pradesh. मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ. Today I'd like to tell one serious message. आज मैं एक बहुत ही गंभीर एक संदेश लेकर आई हूँ. I have a very serious and urgent message. मैं बहुत एक सीरियस गंभीर और अर्जेंट मैसेज लाई हूँ. फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए. द मैसेज इज दिस. ये संदेश है. एंड गॉड इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी. परमेश्वर मुझे कई दिनों से लगातार मुझसे ये बातें कर रहा है. सेम थिंग टाइम एंड अगेन. मुझे ये बार बार दोहरा कर इस बात को मुझे कहने को कर रहा है. होली स्पिरिट इज टेलिंग मी. पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है. टू टेल यू. आपको ये बताएं. टू डिलीवर दिस अर्जेंट मैसेज. ये संदेश को आप तक पहुंचाएं. टू यू. आप तक पहुंचाएं. द मैसेज इज दिस. ये संदेश है. द वॉर बिटवीन द चाइना एंड इंडिया. महायुद्ध चीन और भारत के बीच में. इज सर्टन एंड इट इज गोइंग टू कम टू पास. ये जरूर होने जा रहा है और होगा. And China is going to initiate this great war, Mahayud. China is चीन ये महायुद्ध को इनिशिएट करने जा रहा है. The Lord Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह ने. Telling me to tell you. मुझे ये बात आपसे बताने को कहा है. To their honorable Prime Minister. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से. If you want to win this war. अगर आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं. If you want to ओवरकम दिस वर्ल्ड. अगर आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं तो. इफ यू वांट टू फेस दिस चैलेंज. अगर आप इस चैलेंज को अगर आप फेस करना चाहते हैं तो. एंड टू इफ यू वांट टू ओवरकम दिस. अगर आप इसे जीतना चाहते हैं तो. गॉड ऑलमाइटी सेज. परमेश्वर यहोवा ये कहता है. कॉल टू मी. मुझे पुकारो. आई विल आंसर यू. मैं आपको उत्तर दूंगा. दिस टाइम. ये समय. दिस इज द हाई टाइम. ये बहुत ही एक गंभीर समय है. यू नीड माई हेल्प. आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है. यू नीड माई हेल्प. आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है. बिकॉज दिस वॉर इज गोइंग टू बी. क्योंकि ये युद्ध जो है. इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट. ये बहुत एक महायुद्ध होने जा रहा है. एंड दिस इज वॉर इज गोइंग टू बी वेरी टफ. और ये युद्ध बहुत ही कठिन होने जा रहा है. एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. और हमारे देश हमारे लोगों के लिए. फॉर ऑल विल बी. क्योंकि ये युद्ध जो. नॉट बाय पावर. ये ना ही शक्ति से जीता जाएगा. नॉट बाय माइट. ना बल से. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज. परंतु पवित्र आत्मा ये कहता है. बाय माय स्पिरिट. मेरे परंतु मेरे आत्मा से. सेज द लॉर्ड. यहोवा ये कहता है. If you अगर आप don't seek me अगर आप मुझे नहीं ढूंढोगे तो. There is danger. यहाँ पर एक गंभीर समस्या है. There is a danger. समस्या है. The war is going to be very tough. ये युद्ध जो है कि बहुत कठिन होने जा रहा है. The war is going to be very tough. ये युद्ध बहुत कठिन होने जा रहा है. If you call to Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो. He will help us. वो हमें मदद करेगा. He will help you. वो आपको सहायता करेगा. He will stand by you. वो आपके लिए खड़ा होगा. And he is going to deliver this nation. और वो इस धरती को इस देश को आजाद करने जा रहा है. He will make us to overcome this the great war. वो हमें ये युद्ध में जिताएगा. And Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह. Told me to tell you. मुझसे आपको ये बताने को कहा है. You need the help of. कि आपको परमेश्वर की मदद की जरूरत है. You need the help of Jesus Christ. आपको यीशु मसीह की सहायता की आवश्यकता है. One time in your life. एक बार आपके जीवन में. Call to Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम को पुकारिए. Because this is a matter of. क्योंकि. It is a matter of. क्योंकि ये. This nation. ये इस देश के बारे में है. बिकॉज यू आर हेडिंग द नेशन. क्योंकि आप ये देश को चला रहे हैं. इट इज योर ड्यूटी. ये आपका कर्तव्य है. तो सर्च द वेज एंड मीन्स. ताकि आप ये रास्ता को ढूंढे. वेज को ढूंढे. टू विन दिस बैटल. ताकि आप इस लड़ाई को जीत सके. व्हाई गॉड इज सो पर्टिकुलर अबाउट द रिपेंटेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
परमेश्वर प्रधानमंत्री के मन पिराव को क्यों लेकर इतना पर्टिकुलर है? It is a question of national security and the well-being of the country. क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है और देश की भलाई का सवाल है. Why? Because क्योंकि God has chosen परमेश्वर ने चुना है. God has chosen this nation परमेश्वर ने इस भारत देश को चुना है to be a seed bearers ताकि ये बीज को बोने वाला बने to the other nation दूसरे जातियों को दूसरे देशों के लिए बीज बोने वाला बने एंड लॉर्ड वांट्स टू और परमेश्वर यह चाहता है ब्लेस इंडिया कि वो इंडिया को भारत को आशीष करे अबंडेंटली बहुतायत से आशीष करे गॉड वांट्स टू ब्लेस इंडिया अबंडेंटली परमेश्वर भारत देश को बहुतायत के आशीष देना चाहता है गॉड इज गोइंग टू विजिट दिस नेशन परमेश्वर इस देश को मिलने जा रहा है इन दिस वर्ल्ड आज ये युद्ध में परमेश्वर इस देश को मिलने जा रहा है परमेश्वर इस देश को मिलने जा रहा है सो इसीलिए इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट ये हमारी नम्र निवेदन है टू आवर डियर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से टू सीक हिम कि आप परमेश्वर को खोजे टू कॉल हिम उसके नाम को पुकारे फॉर द उसकी उसके लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ताकि हमारी भलाई के लिए फॉर द सक्सेस ऑफ द वॉर हमारी विजय के लिए हमारी इस युद्ध में विजय के लिए दस says the almighty god ye vachan kehta hai yehova parmeshwar says the almighty god ye vachan kehta hai yehova parmeshwar this is warning from the lord ye parmeshwar ki or se chetavni hai this is warning from the lord ye parmeshwar ki or se chetavni hai to their prime minister of india hamare adarniya pradhanmantri ji don't be haughty aap gaman na kare don't be imperious aap gaman na kare don't depend on other nation aap dusre deshon ke upar depend na kijiye like america jaise americanon ke upar israelon ke upar japanon ke upar russian ke upar for they will not come to rescue you kyunki wo aapko aapke bachav mein nahi aayenge but only through living god balki kebal jeevit parmeshwar hi this nation will be delivered ये जीवित परमेश्वर के द्वारा ही ये देश को बचाया जाएगा दिस नेशन विल बी डिलीवर्ड ये देश को बचाया जाएगा दिस वॉर विल बी सक्सेस ये युद्ध जो है कि सक्सेस होगा थ्रू द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा से सो वी नीड टू कॉल टू हिम इसीलिए ये जरूरी है कि हम उसके नाम को पुकारे उसे पुकारे एंड इफ यू डोंट कॉल टू The help of Lord Jesus Christ. अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर आप उसकी सहायता के लिए नहीं खोजेंगे तो देयर इज अ डेंजर यहाँ एक चेतावनी है एक डेंजर है इसमें नॉट वॉर इज नॉट बाय पावर नॉट बाय माइट ये युद्ध को आप अपने बल से ताकत से नहीं जीत पाएंगे बट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट लेकिन परंतु सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की ताकत से आप जीत पाएंगे देयरफॉर इसीलिए It is a serious and matter of concern. इसीलिए ये मुझे बहुत ही गंभीर बात लगा मेरे लिए. As the millions of the people of India, citizens of India, ये करोड़ों लोगों की भारतीय लोगों का सवाल है. Is on the stake. उनके जीवन आज उनके जीवन का सवाल है. So, Honorable Prime Minister of India, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, it is my humble request to you, ये मेरे नम्र निवेदन है आपसे, that you repent and ताकि आप मन पिराव करें, पश्चाताप करें, and accept Lord Jesus as your savior, और यीशु मसीह को अपना आप रक्षक, अपना personal savior आप स्वीकारें, and call upon his name, और उसके नाम को पुकारें, be saved, और बचा आप बच जाइए, please take grave importance to this video aap kripya karke aap is video ko bahut hi serious le as it is not for the publicity ye na hi kisi publicity ke liye hai for fame na hi kisi fame ke liye for personal benefit na hi kisi personal benefit ke liye hai for the benefit of the nation ye hamare desh ke benefit ka sawal hai for the benefit of this nation ye hamare logon ke liye hai bhalai ke liye for the welfare of this nation hamare logon ke bhalai ke liye hai we want that this nation we want that this war we should be we should be won this battle हम चाहते हैं कि हम इस लड़ाई में इस युद्ध में भारत विजयी बन के आए
We want that our Prime Minister should win this battle. हम चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इस युद्ध को जीते. So try to cooperate with the Holy Spirit. इसीलिए आप कृपया करके आप पवित्र आत्मा की सहायता में संजोग में आप आइए. God bless you. आपको परमेश्वर आशीष करे. Save India. Save India. Jai Hind. Jai Hind. Thank you.